नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 5G में 6.4 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 5G में 2.94 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 5G में 0.33 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 8 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 5G में 185 ग्राम जबकि Redmi Note 10 Lite में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 8 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 5G में 6.5 इंचेस जबकि Redmi Note 10 Lite में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 5G में 83.92% जबकि Redmi Note 10 Lite में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 Lite की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 5G में Mali G57 MC2 जबकि Redmi Note 10 Lite में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Redmi Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 8GB की रैम मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8 5G में अप टू 1TB जबकि Redmi Note 10 Lite में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 8 5G में 5000 mAh जबकि Redmi Note 10 Lite में 5020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme 8 5G में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 10 Lite में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi Note 10 Lite की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 8 5G में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 10 Lite की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 8 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F17 Pro है जो कि 18,390 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Oppo F17 है जो कि 18,490 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है जो कि 18,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।